दोस्तों, विश्व की सबसे प्राचीन नगरी काशी अब टेक्नोलॉजी में भी आगे निकलने की तैयारी में है। काशी में आवागमन की सुविधा के लिए ट्रांसपोर्ट रोपवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को किया था। इस पर काम शुरू हो गया है। काशी का रोपवे देश का पहला और विश्व का तीसरा अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे होगा और इससे पहले दुनिया में अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए सिर्फ 2 रोपवे हैं। इनमें से एक बोलिविया और एक मैक्सिको में है और काशी में बनने वाले रोपवे ट्रांसपोर्ट को विश्व स्तरीय बनाने के लिए इसमें कई अहम सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं। रोपवे का जो डिजाइन सामने आया है वो खास है और इसके कैबिन यूरोपियन डिजाइन और आरामदायक सीटिंग वाले होंगे। इस रोपवे में यात्री हर मौसम में आरामदायक सफर कर सकेंगे। इसके लिए रोपवे में वेंटिलेशन की विशेष व्यवस्था की जाएगी। वेंटिलेशन के कारण गर्मी में भी सफर आरामदायक होगा। गर्मी के मौसम को देखते हुए इसकी खिड़कियां भी खास बनाई जा रही है। खिड़की में लगे विशेष मटेरियल की वजह से सूर्य की तेज किरणें रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और इससे अंदर का तापमान नियंत्रित रहेगा और ये यूरोपियन डिजाइन की होगी। काशी के ट्रांसपोर्ट रोपवे की एक खास बात ये भी होगी कि इसमें दिव्यांगजनों के बैठने के लिए व्यवस्था होगी। कार कैबिन में दिव्यांगजन अपनी व्हीलचेयर के साथ ही बैठ सकेंगे। एक कार कैबिन में 10 यात्रियों के लिए जगह होगी तो वहीं दिव्यांगजन भी बैठ सकेंगे और इसका स्पेस बनाकर इसका डिजाइन तैयार किया जा रहा है। काशी में शहर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में ट्रैफिक को देखते हुए ट्रांसपोर्ट रोपवे बहुत खास होगा। इसके रूट को खास तौर पर तैयार किया गया है जिसमें आम लोगों के अलावा बड़ी संख्या में आने वाले देशी विदेशी पर्यटक भी इसमें यात्रा कर सकेंगे। रोपवे से वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से आने वाले यात्रियों को काशी विश्वनाथ मंदिर और दशाश्वमेध घाट तक पहुंचना आसान हो जाएगा। इस रोपवे से काशी के भीड़भाड़ वाले इलाके को पार करने में आसानी होगी क्योंकि सरकार ने वाराणसी की विकास परियोजना पर काम कर रही है और इसमें प्रमुख योजना रोपवे की है जिसके चलने के बाद वाराणसी के प्रमुख शहरी इलाकों से ट्रैफिक का भार कम होने की उम्मीद है। वाराणसी में चलने वाले ट्रांसपोर्ट रोपवे में 150 कार कैबिन चलाने की योजना है जिससे एक घंटे में दोनों ओर से करीब 6000 यात्री सफर कर सकते हैं। 50 मीटर ऊपर चलने वाले रोपवे का निर्माण स्विट्जरलैंड की कंपनी बर्थोलेट और नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड कर रही है। वाराणसी कैंट स्टेशन से शुरू करके गदौलिया तक 5 स्टेशन होंगे। इसके निर्माण कार्य के लिए हाल ही में अपने वाराणसी दौरे में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।